गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वाली कक्षा में आपको उत्प्रेरक के बारे में रासायनिक अभिक्रियाएं जो है उसमें कंप्लीट करवा दिया। आज आपका अगला जो लेसन है वो स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक ये लेसन आपका स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बन एवं उसके यौगिक जो लेसन है वो एग्जाम की दृष्टि से 6 नंबर का। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो बहुलक से संबंधित है, छोटा जो क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपरूप कार्बन के जो अपर रूप हैं उनसे संबंधित पूछा जाता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस जैसे CNG है, LPG है, उनकी विशेषता, रेयोम आदि के बारे में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण है वो यूरिया के रूप में किया गया। किसके रूप में किया गया था? यूरिया के रूप में किया गया था। वोहलर नामक एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले कार्बन निर्माण किया। ठीक है, अब देखिए अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया पोटेशियम साइनेट से करवानी है। अमोनियम सल्फेट NH4 की ट्वाई से SO4, अमोनियम सल्फेट NH4 की ट्वाई SO4 की अभिक्रिया KCNO से करवाने पर अर्थात इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो अमोनियम साइनेट NH4Cl NH4CNO के साथ पोटेशियम सल्फेट बनता है K2SO4। ठीक है, अब देखिए अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो यहां क्या करेंगे? दो लगाएंगे पोटेशियम के पीछे। उत्पाद में आपके पास दो कार्बन हो रहा है, ये आपके पास दो हो गया, यहां दो हो जाएगा तो यहां भी आपके पास क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है अमोनियम सल्फेट। इसको क्या बोला जाता है? अमोनियम में सल्फेट, अमोनियम सल्फेट बोला जाता है। इसको पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट बोला जाता है। यहां आपके पास क्या बनेगा? अमोनियम साइनेट बनेगा। क्या बनेगा? अमोनियम में साइनेट, अमोनियम साइनेट के साथ पोटेशियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट। यहां क्या बनेगा आपके पास? पोटेशियम सल्फेट बनेगा। अब देखिए यहां आपके पास अमोनियम में साइनेट जो बना है उसको गर्म करेंगे। ठीक है, अमोनियम साइनेट, ठीक है, NH4CNO को क्या करेंगे? अत्यधिक टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। ठीक है, यहां आपके पास NH2CO NH2CO NH2 ये आपके पास है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक यूरिया। क्या है आपके पास? कार्बनिक यौगिक यूरिया है। ठीक है, तो पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा बनाया था? यूरिया बनाया था। ठीक है, अब देखिए कार्बन की विशेषता,
कार्बन परमाणु की विशेषता। ठीक है, ये समझ गए। सबसे पहला जो यौगिक है वो 1815 में, ठीक है ना, 1815 में यूरिया का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके बाद है कार्बन यौगिक की या परमाणु की विशेषता। कार्बन परमाणु की विशेषता, कार्बन परमाणु की विशेषता, तो सबसे पहला जो इसके अंदर भाग होता है वो ये होता है कि कार्बन परमाणु का प्रतीक चिन्ह होता है वो सी होता है। ठीक है, कार्बन का प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, सी होता है। ठीक है, सी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इंगित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आवर्त सारणी जो होती है उसमें परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 2-4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2-4 होता है, या 1s2 2s2 और 2p2, ये होता है कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब देखिए हो गया। अब देखिए कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है, ठीक है, संयोजकता जो होती है, संयोजकता वो होती है 4। ठीक है, क्योंकि यह कार्बन जो होता है यह होता है चतुर्संयोजी। कार्बन जो होता है यह क्या होता है, चतुर्संयोजी होता है, अर्थात अपनी चारों संयोजकताओं के साथ यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब देखिए जै आपके पास इसके अंदर जैसे देखो हो गया, यहां कार्बन जुड़ेगा तो जैसे एच, इसके पास यहां आपके पास बनेगा CH4 मेथेन, क्या हो गया, मेथेन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कार्बन की जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति वो होती है समचतुष्फलकीय। ज्यामिति जो होती है वो होती है समचतुष्फलकीय। ज्यामिति जो होती है वो होती है समचतुष्फलकीय। ठीक है, इसके अंदर ये, ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है समचतुष्फलकीय, जैसे मान लीजिए ये आपने बना दिया। ठीक है, अब इसकी जो प्रत्येक संयोजकता के मध्य जो ये एंगल होगा, ये होगा 109.28 मिनट। कितना होगा, 109 डिग्री पॉइंट 28
से मिला, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कार्बन की प्रत्येक संयोजकता के मध्य 109.28 मिनट का क्या होता है, बंद कोण होता है। ठीक है, इसके जो बंद कोण का जो मान होता है वो होता है 109.28 मिनट। ठीक है, ये बंद कोण का क्या होता है, मान होता है। ठीक है, अब देखिए कार्बन की जो विद्युत ऋणता जो होती है, कार्बन की विद्युत ऋणता जो होती है वो हाइड्रोजन के समान होती है। ठीक है, क्या होती है, हाइड्रोजन के समान होती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना विद्युत ऋणता है, उसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा क्या है, समझाया जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए ये हो गए आपके पास कार्बन परमाणु की विशेषता। अगला जो है इसमें, इसके बाद आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए CH4 की। ठीक है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6। ठीक है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात अंतिम कक्षक के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आप क्या है दर्शाएंगे, संयोजी कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दर्शाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ प्रथम कक्षक में 2 और सेकंड कक्षक में कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात संयोजी कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहां आप दर्शाएंगे हाइड्रोजन आ गया, यहां हाइड्रोजन, अर्थात चारों संयोजकताओं पर आपने क्या दर्शा दिया, हाइड्रोजन दर्शा दिया। ठीक है, आपके पास कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन के अंदर है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 हैं। तो 4 प्रत्येक जो इसका संरचना है उस पे 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। इसके बाद आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शा देंगे। अब देखिए यहां ये क्या करेगा, साझा करेगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास, आ गया, अब ये आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका अष्टक पूर्ण हो गया। अब देखिए कार्बन है वो प्रत्येक हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इसलिए ये क्या करेगा, प्रत्येक हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर देगा। ठीक है, सबसे छोटा जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है CH4। क्या होता है, CH4 होता है मेथेन, हाइड्रोकार्बन HC, हाइड्रोजन और कार्बन के योग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक
क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। आ गया। अब देखिए इसको प्राकृतिक गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये एक बार 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक गैस के दहन को समझाइए। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस CH4 किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहां करेंगे दहन, आ जाएगा तो CO2 प्लस H2O। ठीक है, अगर आपके पास CO2 प्लस H2O आ गया, यहाँ क्या करोगे? दो लगा देंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखिए ये तो हो गया सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन यौगिक मेथेन। क्या हो गया? मेथेन एल्केन श्रेणी के लिए। ठीक है, इसके बाद C2H6। ठीक है, एथेन। एथेन का आप इसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यहां कार्बन दर्शाएंगे, यहां कार्बन दर्शाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आगे हाइड्रोजन दर्शा दो। ये आपने क्या दर्शा दिया? हाइड्रोजन दर्शा दिया। ठीक है, एक एक क्या दर्शाओ? यहां इलेक्ट्रॉन दर्शाओ। यह ठीक है, यहां सबसे पहले हाइड्रोजन का कक्षक पूर्ण करेंगे। ठीक है, इसके बाद कार्बन के कक्षकों की संख्या पूर्ण करेंगे। ये हो गया, ये होता है एथेन। क्या होता है? एथेन होता है। हो गया। इसके बाद आप जो डबल बॉन्ड वाली श्रेणी है उसमें एथीन का करेंगे। किसका करेंगे? एथीन का। ठीक है, ये हो गया आपके पास एथीन। इसमें आपको ध्यान रखना है कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड का प्रयोग करना है। ठीक है, ये कार्बन की विशेषता में भी आप लिख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए मेथेन, सिंगल बॉन्ड के लिए मेथेन, इसके लिए एथीन और इसके लिए एथाइन। ठीक है, मेथेन, एथीन और एथाइन। ठीक है, आगे आपके पास इसका करेंगे आप C2H4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको दर्शानी है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, आगे आपके पास अब देखिए डबल बॉन्ड जहां है उसके लिए आप एक संयोजकता खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक संयोजकता क्या छोड़ सकते हैं? खाली छोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन दर्शाओ, हाइड्रोजन दर्शाओ, यहां भी दर्शाओ और यहां भी दर्शाओ। ठीक है, आ गया।
इसके बाद हाइड्रोजन के कार्बन परमाणुओं की संख्या आपको दर्शानी है, ये दर्शा दिया है आपने, ये आ गया। हाइड्रोजन की कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन की कंप्लीट हो गई, यहां से हाइड्रोजन की कंप्लीट हो गई, ठीक है, हो गया। अब यहां करेंगे आप इसको, दो चार छह और दो आठ हो गए, ये हो गया आपके पास एथीन का, किसका हो गया, एथीन का हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आपको एथेन का बता दिया, एथीन का, मेथेन का बता दिया, एथीन का बता दिया, और ट्रिपल बॉन्ड वाली जो है एथाइन C2H2, ठीक है, C2H2, ठीक है। तो C2H2 बनती है एथाइन, एल्काइन श्रेणी में क्या बनती है, एथाइन। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये दर्शा दिया आपने, तीन तीन इलेक्ट्रॉन, कितने दर्शाए हैं, तीन तीन दर्शाए हैं, यहां आप हाइड्रोजन दर्शाओ, ये आ गया, इधर ये आ गया, इधर ये आ गया, और इधर ये आ गया, एक एक आपके हाइड्रोजन के और कार्बन के इधर दर्शा दो, दर्शा दिया। इसी के साथ आपका क्या हो गया, ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया, ये इसको बोला जाता है एथाइन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एथाइन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां आपको हाइड्रोकार्बन तथा इसका वर्गीकरण, ठीक है, वैसे मैं आपको हाइड्रोकार्बन की जो परिभाषा है वो बता दी है, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। सबसे छोटा जो हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है वो होता है CH4। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन सा होता है, CH4 होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यौगिक में आपको ये बताना है संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। एक बार थोड़ा चेकरबोर्ड बता देता हूँ आपको, उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको आगे वाली कक्षा में बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होता है उसमें आती है एल्केन श्रेणी, कौन सी आती है, एल्केन श्रेणी आती है, इसमें एल्कीन और एल्काइन आती है, एल्कीन और एल्काइन आती है, एल्केन जो श्रेणी होती है उसका सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2 अर्थात CH4, ठीक है। इसके बाद आपके पास एल्कीन जो होती है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n,
ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सी टू एच फोर, सी टू एच फोर आ गया आपके पास। इसमें एल्काइन जो होती है इसका सामान्य सूत्र सी एन एच टू एन माइनस टू होता है, तो सी टू एच टू हो गया, सी टू एच टू हो गया, ठीक है, सी टू एच टू हो गया आपके पास। अब देखिए एल्केन श्रेणी है उसमें सिंगल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सिंगल बॉन्ड का, इसमें डबल बॉन्ड का और इसमें ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। एल्कीन जो श्रेणी है उसमें एन बराबर एक नहीं रख सकते और न ही एल्काइन में एन बराबर एक रख सकते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको हाइड्रोकार्बन यौगिक में संतृप्त और असंतृप्त के बारे में बता दिया गया है। आगे वाली कक्षा में आपको को एल्कीन एल्केन और एल्काइन श्रेणी में यौगिकों का निर्माण अर्थात हाइड्रोकार्बन यौगिकों के निर्माण के बारे में बताया जाएगा, ठीक है।